में लग गया ये कहावत तो सुनी थी, लेकिन लंगड़े को रेस का घोड़ा गिफ्ट मिला ये कहावत अब नहीं। मुझे तो आज झूम झूम के नाचने का मन कर रहा है। तू तो झूम झूम के मत नाच, तू तो खाली गिर गिर के नाच सकती है। ए बात क्या है, सब लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इसने उल्टी में कुछ हीरा वीरा निकाला है क्या? मामा मामा एक सेकंड, अपना पैर बताना। ये क्या कर रही है तू? कहते हैं ना जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके पैर भारी हो जाते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि मम्मी के पैर कितने भारी हो गए हैं। बोल 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 ना कुछ बोल। क्या बात है, ये फिर से माँ बनने वाली है क्या? भाई मैं मर जाऊँ। अभी मैं कहूँ कि सुबह से मेरी दाई आँख क्यों फड़क रही है? कुछ अच्छी खबर मिलेगी मालूम था, लेकिन इतनी अच्छी खबर मिलेगी नहीं मालूम। ये अच्छी खबर है? मेरी तो समझ में नहीं आता मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगा। मुंह कैसे दिखाऊंगा मतलब क्या? हंसता रखकर मुंह दिखाना। हाँ, कोई अगर पूछे कि सुना है आनंद माथुर आप फिर से बाप बन रहे हो तो आप जवाब देना हाँ सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वैसे ही ऊपर वाला है कौन? ऊपर वाला यानी ये भगवान की बात कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे शर्म किस बात की? अरे जितनी बार आप आंटी मत कहो ना कहती हैं, अगर उतनी बार भगवान का नाम लिया होता ना तो आप स्वर्ग में होती और देवी देवता आपसे पूछ रहे होते आर यू कंफर्टेबल पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। अरे नहीं कहेंगे। तू और आगे बोल, क्यों आई थी यहाँ तू? आनंद भैया मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई थी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने क्या कमाल किया? अरे ये तो वही बात हुई कि जो काम सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाया हम गवास्कर ने कर दिया। अरे तू कहना क्या चाहती है पूजा? अरे बीना जिस उम्र में ना औरत दादी और नानी बनती है ना तू माँ बन रही है। ये किसने कहा? अरे मेरी छोड़ो पूरी सोसाइटी में ये हाहाकार मचा हुआ है कि जिस आनंद और बीना को हम एक हंगल और निरूपराय के रोल में विजुलाइज किया करते थे ना वो तो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित निकले। तुझे किसने कहा वो बोल? अरे आपकी छोटी ना पूरी सोसाइटी में अखबार की तरह ये खबर बांट रही है। उसने तो मेरे सुनील को हर्ट भी किया है। कैसे हर्ट किया? अरे सुनील के मुंह से फट से निकल गया कि आनंद कौन सी चक्की का आटा खाते। छोटी ने कहा कि सुनील जी ये आप नहीं आपकी जलन बोल रही है। अरे आपने तो अभी तक खाता भी नहीं खोला और हमारे डैडी आधे दर्जन का आंकड़ा पूरा कर रहे हैं। हो गया? हाँ। खत्म हो गया? हाँ। खत्म हो गया? अभी घर जा, चल घर जा चल। अरे मैं मुंह मीठा किए बगैर घर थोड़ी जाऊंगी। मुंह काला होता है ये तो सुना था, ये मुंह मीठा कैसे होता है? तू बैठ समझी ना। अरे मुंह मीठा क्या, तेरे को मिठाई से तोलेंगे पूजा आंटी। अच्छी मत को आंटी मत बोलना। जाना अभी जाना, घर जाने का क्या लेगी अभी तू, जाना। आनंद भैया जरा उधर आओ ना। मम्मा देखो आपके होते हुए पूजा पापा को बोल रही है जरा उधर आओ ना। चल क्या है बोल क्या है? हाँ बोल क्या बात है, बोल क्या है? आनंद भैया आज शाम को ना सुनील आपसे मिलने आएंगे। हाँ? आप उन्हें थोड़ी टिप्स दीजिएगा। टिप? कैसी टिप? पूरी सोसाइटी मुझे आंटी कहती है मगर माँ कहने वाला कोई। तू रो रही है क्या? ए रोना नहीं, तू रोना नहीं। डैडी आपने ऐसा क्या कहा जो पूजा आंटी रो रही है? आंटी मत कहो। कमाल की औरत है यार, रोते रोते भी इसे आंटी कहलाने से प्रॉब्लम है। पूजा तू रो क्यों रही है? क्या बताऊं बीना, दिल के किसी कोने में दबा हुआ दर्द आंखों के रास्ते से बाहर आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ, हाँ टेक केयर। और सुन उल्टा सीधा मत खाना, हाँ और देख ऑटो में भी मत बैठना, सर दर्द और पेट दर्द में कोई गोली मत लेना और खुश रहना। हाँ? वो तुम्हें इसे कहने की कोई जरूरत नहीं, इसे मैदान जंग में छोड़ दो वहाँ भी ये खुश रहेगी। बिना ये क्या हो गया अभिनव? मुझसे क्या पूछ रहे? अरे मैं तो ये सोच सोच कर शर्म से मरा जा रहा हूँ कि लोग क्या बातें बनाएंगे। तुम्हारे बाप बन रहे हो क्या? या किसी हीरोइन से अफेयर चलाकर उसके नाजायज बच्चे का बाप बन रहे हो? अरे आज जो लोग ऐसा काम करते ना वो भी नहीं शर्माते। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें नई खुशी दी है। अच्छा इसका मतलब फैमिली प्लानिंग वाले भले चिल्लाते हो कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दर्जन में मानेंगे, है ना? नहीं हाँ। इस बच्चे के बाद मैं एक और बच्चे का सोच रही हूँ। दर्जन तो ज्यादा हो जाएंगे, 7 का आंकड़ा ठीक रहेगा ना? उसके बाद एक बच्चे का अरमान है। बिना ये तो सोचो कि अपनी बेटियां जवान हो गई हैं। तो उसमें क्या हुआ? तुम्हें पता है हमारे गांव में गंगा मौसी की बेटी का बेटा जब 12 साल का हुआ था तब गंगा मौसी माँ बनी थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। अरे वो तो गांव था और गांव में गंगा मौसी कुछ भी दंगा कर सकती है, लेकिन लोग यहाँ अजीब नजरों से देखते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ? मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि यूरोप में एक 60 साल की बुढ़िया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरे मैं तो सिर्फ 35 की हूँ। 35 की क्यों? 25 की बोलना, 25 की। नहीं हाँ। मुझे दूसरी औरतों की तरह अपनी उम्र छुपाने की आदत नहीं है। मैं भी कहाँ तेरे से बहस करने लगा। देख तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तो ऑफिस चलता हूँ। अरे ऐसा क्या करते हो? आज घर रह जाओ ना। देखो मैं इस तरह घर में बैठूंगा ना तो हमेशा के लिए मुझे घर बैठना पड़ेगा और फिर ये हम दो और हमारे आधा दर्जन का पेट कौन पालेगा? हा? उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? ऊपर वाला जो है। अरे ऊपर वाले का तो नाम ही मत ले, वो हमेशा मेरे साथ मजाक करते आया है। इस बार ये नया पंगा भेजा है। हमने जो लिस्ट तैयार की है उस हिसाब से सारे मिठाई के बॉक्सेस रेडी हैं। हाँ। क्या चल रहा है बच्चों? अरे मामा आप क्यों उठ के आई? आपको आराम करना चाहिए ना। अरे सारा दिन रूम में बैठे बैठे भी तो बोर हो जाते हो। हाँ मामा चलना फिरना चाहिए। साइंस कहता है प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना चाहिए, काम करना चाहिए। आप एक काम करना मामा, कल आप मेरे साथ चलना। यहाँ ना एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ चल के आप ईंटें उठाने की मजदूरी करना। बात करती है, काम करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तू प्रेग्नेंट होगी और कोई तुझे काम करने को बोलेगा तब तुझे पता चलेगा। ओ, चुप रहो, लड़ो मत आपस में। So sorry, excuse me, excuse me. है साला मैं तो बाप बन गया। है बाप बन के कैसा तन गया। है सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लड़का। ये करता था कि आज ऑफिस में ही सो जाऊं। क्यों? बच्चा है नहीं और उसके लिए अभी से ओवरटाइम शुरू। सोसाइटी वालों ने मेरी कैसेट बनाई है। मैं सुबह जा रहा था तो कहीं से आवाज आई, वो देखो जा रहा है बूढ़ा जिसने बाउंड्री मारी। डैड किसने आपको बूढ़ा कहा? अरे 2-3 लोग आके कह गए कि 5 सितम कम थे इसलिए छठे को जन्म दे रहे हैं। अच्छा अब बताते हैं सोसाइटी वालों को कि सितम क्या होता है। वो पांगे भी आके रो गया, बोला कि ये क्या किया आपने आनंद बाबू? आपके घर की खबर सुनकर सोसाइटी की आधी बूढ़िया माँ बनना चाहती हैं। और तुम्हें साड़ी देखकर साड़ी खरीदने की जलन तो सुनी थी, लेकिन माँ बनने की जलन तो पहली बार सुन रही। ए तू चुप बैठ। एक तो यहाँ मेरा सर काम से गया है और ये सब क्या है? डैडी हमारे भाई या बहन के आने की खुशी में सोसाइटी में बांटने के लिए मिठाई वाला इंसान ने मिठाई भेजी है। अरे मिठाइयाँ बच्चा होने के बाद बांटते हैं, बच्चा होने की खबर सुनने पर नहीं। डैडी वो आम आदमी के बच्चे के बारे में होगा, ये तो हमारे परिवार का चिराग है। पता नहीं चिरागा या चिंगारी है। एक खबरदार जो आने वाले बच्चे के बारे में कुछ अनाप शनाप कहा तो इस बच्चे के बाद तो बीना का और मेरा स्कोर एकदम सेम हो जाएगा। 3 मेरे 3 उसके। बोलो घर नहीं क्रिकेट का ग्राउंड हो गया है, स्कोर टैली कर रही है। ये बच्चे का पालना है और इसके अंदर ग्राइड वाटर, बेबी पाउडर और बाकी सब बच्चे की चीजें हैं। अरे बच्चे के आने में 8 महीने की देर है। तो क्या हुआ बापू, एडवांस प्लानिंग हमेशा अच्छा होता है। अरे फोन उठाओ ना। अरे वो क्यों उठाए, आप जाके उठाओ ना। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये टोपी, तूने गुप्ता फूट वाले को मारा? अरे मारा, कुत्ते की तरह मारा। अरे लेकिन क्यों मारा? माँ, अपुन ने उसके पास कच्ची कैरी मांगी तो वो दांत निकालकर हंसने लगा, तो अपुन ने बोला, शाणे ना रहेगा दांत और ना हंसेगा तू। सीधी बात है ना, पपैया के सीजन में अगर तू कैरी मांगेगी तो हंसेगा है ना वो। अपन कुछ नहीं जानता है, अपनी माँ को कच्ची कैरी खाने का मन होगा तो उसे मिलनी चाहिए। अबे काजल, इस नन्ही जान के लिए दुआएं इकट्ठा कर, किसी की हाय मत ले। हाँ हाँ काजल, हाँ। डैडी ठीक कह रहे हैं, हमें अपनी आने वाली बहन के लिए दुआएं इकट्ठा करनी चाहिए। बहने मीनाक्षी, भाई बोल भाई। नहीं, बहन ही होगी। देख मीनाक्षी, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा, भाई ही होगा, नहीं तो तुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। हाँ, ये क्या समझती है कि बहन होगी और इसे महिला मुक्ति के लिए और एक मेंबर मिल जाएगी? भाई ही होगा, और ऐसा भाई होगा कि उसके नाम से दुनिया का सबसे बड़ा डॉन भी कांपेगा। खैर ये सब छोड़ो, आप क्या बोल रहे थे कि भाई के लिए दुआ लो? ठीक है, अभी दुआ करवा लेता है। दुआएं क्या फास्ट फूड की स्टॉल पे मिलती है, जो फोन पे ऑर्डर करने से होम डिलीवरी हो जाएगी। हुई ना, वो जंगली पीर कहकर गया था मेहमान आएगा, देखा आ रहा है ना। वो जंगली पीर मुझे मिलने दे, उसे ऐसे जंगल में छोड़ के आऊंगा कि उसकी बोटी भी नहीं मिलेगी। काजल भाई बोल रहे हैं, क्या बात है, आपको भी खबर मिल गई, थैंक यू वेरी मच। हाँ काजल भाई, एक रिक्वेस्ट थी, अगले जुम्मे के दिन अंडरवर्ल्ड में स्ट्राइक करा दो। हाँ, सारे मटके के अड्डे, जुए के धंधे, लिकर बार, सुपारी सब बंद। हाँ, अपन के भाई के आने की खुशी में। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। लो, करवा दिया ना दुआ का बंदोबस्त। अंडरवर्ल्ड वाले एक दिन छुट्टी करेंगे, इसमें दुआ कहाँ से आई? बापू आप समझते नहीं हो। मैं कुछ समझता, क्या समझता हूँ, मेरी औकात ही कहाँ है। आप सुनो, बोल बोल। जिस दिन अंडरवर्ल्ड वाले छुट्टी करेंगे उस दिन सारा क्राइम बंद होगा, बराबर है? तो उस दिन हर आदमी की दुआ उसी के लिए जाएगी जिसकी वजह से क्राइम बंद है। मैं समझता सिर्फ टोपी है, टोपी ने उसके नीचे सर भी है। क्या बात करती है ये, वाह क्या लॉजिक है। ए काजल, हटो 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 हटो। काजल एक काम करना, कल है ना हमारी मम्मी का नाम ब्रीच कैंडी में लिखवा के आना, हमारा भाई ब्रीच कैंडी में पैदा होगा। इतना दूर? हाँ, ताकि हम शाहरुख जी को जाके कह सके, अगर आपका बेटा ब्रीच कैंडी में पैदा हो सकता है तो हमारा भाई भी ब्रीच कैंडी में पैदा हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या प्लानिंग है, वाह। अरे बापू आप प्लानिंग की बात कर रहे हो, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जिस दिन हमारा भाई पैदा होगा उस दिन हम 5 स्टार होटल में पार्टी देंगे। हाँ। उसकी बुकिंग भी हम लोग ने करवा ली है। और कुछ? बस, खाली बच्चे का नाम नहीं अभी तक सोचा। अब उनके पास एक झकास नाम है, क्या? कल्लू मामा। अरे नहीं काजल, अगर ये हमारे डैडी का नाम होता तो चल जाता, हमारे भाई का नाम कुछ दासू होना चाहिए। ये मेरे पास एक नाम है, हमारे भाई का नाम जीनियस होना चाहिए। अरे नहीं यार, अगर वो मेरी तरह डफर निकला तो। ये हमारे भाई का नाम पता है क्या आना चाहिए? शाह स्वीटू। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ? शाहरुख जी का शाह ले लिया और स्वीटी का स्वीटू कर दिया, शाह स्वीटू। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक अच्छा नाम है। हाँ, दुर्गा। वाह क्या नाम है, उसका नाम रखेंगे दुर्गेश और प्यार से बुलाएंगे दुर्गा भाई। अक्षय कुमार, सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गोविंदा, सलमान खान, अजय देव। ठीक है, ये सब लड़कियों ने तस्वीरें लगाई हैं। क्यों? उनका कहना है कि प्रेग्नेंट औरत के सामने जो चेहरा बार बार आता है ना, तो बच्चा उसके जैसे ही होता, और लड़कियां ये नहीं चाहती कि बच्चा आप पर जाए, उनको तो इनके जैसा हीरो चाहिए। और तुमने लगाने दिया तो क्या करती? अच्छा अच्छा समझ गया, ठीक है। तो तुम भी ये चाहती हो ना कि होने वाले बच्चे का चेहरा मेरे जैसा न हो, सलमान खान जैसे हो। कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके सोता हूँ, तू इधर ही सो जा। अरे रुको, मैं अभी सब तस्वीरें उतार देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, पोस्टर उतार दिए। मिस्टर माथुर, she is all right. Thank God. बच्चे की जान को खतरा तो नहीं है ना? बच्चा? हाँ. कैसा बच्चा? आपको पता नहीं? हमारी मामा प्रेग्नेंट है? किसने कहा? क्या बात कर रहे हो? Last time जब हमारी मम्मी को उल्टियाँ हो रही थी और हम उसे हॉस्पिटल ले आए थे, तो आपने तो कंफर्म किया था। Last time उनको एसिडिटी थी और मैंने जेलिसिल पिलाकर घर भिजवा दिया था। और ये भी तो कहा था कि इट इज वेरी नॉर्मल थिंग। अरे लेकिन उस नर्स ने तो हमें बताया था कि तुम्हारी मम्मी प्रेग्नेंट है। कौन सी नर्स? ही कोई छमक छलो है। अरे ये कहीं मीरा तो नहीं? मीरा, मीरा। यस सर, आपने मुझे बुलाया? मीरा, तुमने इन्हें कहा था इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है? जी हाँ सर, ये मिस्टर गुप्ता है ना? अरे नहीं, मैं आनंद माथुर हूँ। और मैंने तो मिसेस गुप्ता की खबर सुनाई थी। चुप हो जाओ ना। अच्छा देखो मामा, आप मेरी शादी करा दो, अगले साल तक मैं आपको नानी बना दूंगी। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम छोटे बच्चे के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? तू तो बोलना ही नहीं।